भी आपने अपनी लाइफ में आजकल आज तक एक्सपीरियंस किया है वो आप शेयर करें बाकियों से, मतलब यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के, वो आइडिया या वो एक्सपीरियंस जैसा भी हो, चाहे कारपेंटिंग का हो या फिर कार रिपेयरिंग का हो या फिर टीचिंग का हो या फिर वीडियोस बनाने का हो या फिर वीडियोग्राफी का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमाद 946। तो आज की वीडियो कुछ बाकी नीचे से हटके है कि आप कैसे देसी नुस्खे अपना के अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है। मेक श्योर कि आपने वीडियो लाइक कर ली होगी, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, क्योंकि मेरा चैनल जस्ट इस बारे में है कि आप यूट्यूब पर कैसे कामयाबी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं बगैर अपनी फेस दिखाए और बगैर अपना कॉन्टेंट बनाए। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि आप कैसे अपना चैनल एक न्यू एज पे काम करके कर सकते हैं, जो कि देसी है, मतलब देसी नुस्खा है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो जस्ट आपको आइडिया देना है, अब करना कैसे है आपने वो आप पर है। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं आपको बता सकूं कि वो आइडिया आप कैसे उस पर भी काम कर सकते हैं। आइडिया नंबर वन, तो आइडिया नंबर वन ये है कि जो कि घर बनाता है, लाइक ईंटें वगैरह लगा रहे होते हैं, अब सीमेंट जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अगर उनके पास एक मोबाइल है, ठीक है, अगर उनके पास एक मोबाइल है वो जस्ट उसकी वीडियो बना दें और साथ में अगर बोलना चाहें तो बोल दें, नहीं तो लगा सकते हैं। तो अगर वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एक अगर वो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के जस्ट स्टेप बाई स्टेप बताते रहें कि ये इसको ऐसे जोड़ना है, इस ईंट को यहाँ पर रखना है, ये जो वॉल है इसको लेवल यहाँ से करते हैं, जो ये वो रस्सी जो वॉल के ऊपर बांधते हैं तो इस रस्सी को आप कैसे बिल्कुल स्ट्रेट रख के ये देख सकते हैं कि क्या दीवार जो हम लगा रहे हैं ये ठीक है या नहीं। मतलब ये है बताने का कि वो अपना काम भी करें साथ साथ उनकी वीडियो भी बनती रहेगी। आजकल कौन बंदा है जिसके पास एंड्रॉयड नहीं हो, जो कि अच्छी क्वालिटी अच्छी कैमरे में मिल रही है, अच्छे कैमरे में अवेलेबल मिलती है। तो मेक श्योर कि आप अगर जो काम कर रहे हैं साथ साथ वीडियो बनाते रहें और कुछ ऐसा बंदा देख लें जो कि आपकी स्टार्टिंग में यूट्यूब पे हेल्प कर सके। अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जानते हैं कि वीडियो वगैरह कैसे लगानी है तो बहुत बेस्ट है, आप उस निच पे भी काम कर सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि जो काम कर रहे हैं ये निच उन्हीं के लिए, ये निच उन्हीं के लिए भी है जो कि जस्ट जो काम कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ बना के अपने चैनल के लिए लगाना चाहते हैं। तो आप ही कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं, बस आपको करना चाहिए। आइडिया नंबर टू, तो आइडिया नंबर टू ये है कि जो पेंटर होते हैं, लाइक घरों को पेंट करते हैं, तो आप पेंटिंग जो कर रहे होते हैं तो पेंट को कैसे मिक्सअप करना है, पेंट को कहाँ से कैसे आपने लगाना है, पेट्रोल या आप कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं तो किस लेवल में करना चाहिए, आपको कैसे उसको बनाना है, कैसे बना के आपको कैसे ब्रशिंग करनी है उसकी, जो वॉल को कैसे पेंट करना है आपने। तो ये भी बहुत सारी ऐसी निच है जो कि बहुत मेरे ख्याल से तो कोई कर ही नहीं रहा इस चीज़ पे, अगर कर भी रहा है तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। लाइक आजकल जो आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं पेंटिंग के, अब वो पेंटिंग दूसरी वाली नहीं जो क्लिपबोर्ड होता है उस पर बना रहे होते हैं, ये पेंट जो है जो घरों को करते हैं ये उस बारे में है। आजकल के जैसे आर्किटेक्चर्स वगैरह बन रहे हैं पेंटिंग के, तो पेंट वगैरह कर रहे हैं, पेंट कैसे कर रहे हैं, वो डिज़ाइन कैसे बना रहे हैं, वो मशीनरी जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो लेटेस्ट मशीनरी जो आ रही है उसको कैसे यूज़ करके कैसे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये भी आप उस वीडियो में बना सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी अपनी वीडियो में कि आप उसको और बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो आप अभी स्टार्ट ले लें और काम शुरू कर दें इस पर। आइडिया नंबर थ्री, तो आइडिया नंबर थ्री ये है कि आजकल तो हर कोई लोकल शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, लाइक करियाना जनरल स्टोर है किसी का, लाइक वो कैसे डील करते हैं अपने कस्टमर्स को, कैसे कैसे कस्टमर आते हैं उनको कैसे डील करते हैं, मार्केटिंग में भी एक तरह से आ रहा होता है। बट आपको एक कंटेंट चाहिए, आपको एक्सपीरियंस जो मिला है वो भी आप अपना एक्सपीरियंस बाकियों को बता सकते हैं एज अ वीडियो एज अ यूट्यूब। तो आप भी इस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे आपको बता रहा हूँ मैं, ये कंपटीशन बहुत लो हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं। तो आप अगर इस चीज़ में स्टार्ट करते हैं तो यू आर दी फर्स्ट पर्सन जो कि पाकिस्तान में इस लेवल का काम करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ में आपके
इसमें ग्रो कर जाएं। तो मेक श्योर कि अभी से आप इसको स्टार्ट ले लें ताकि आपका YouTube जो है हल्के हल्के ग्रो करता रहे। और मेक श्योर ये भी कि तो आप मिनिमम 30-33 या इसके आसपास वीडियो बनाएं ताकि आपको ये एक आइडिया मिल सके कि आप कैसे इस चीज़ को भी लेके चल सकते हैं। आइडिया नंबर फोर ये है कि आजकल जो हमारे पाकिस्तान में जो टीचिंग लेवल चल रहा है वो रटा मार है। हर कोई रट्टे की दौड़ में बहुत आगे निकल रहा है कि कैसे मैं रटा लगाऊं, पास हो जाऊं, लाइक दैट। तो जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में, वो भी रट्टे मार है। तो आज इस फोर्थ आइडिया में मैं आपको ये बता रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि आप एक्सट्रीम लेवल का एजुकेशन में काम कर सकते हैं ताकि जो नहीं भी देखते इस निच को वो भी इंटरेस्टेड हों इस निच को देखने के लिए। क्योंकि आप उसमें एक तो क्वालिटी प्रोवाइड करें, कुछ इस तरह से आप उसमें इंक्लूड करें जो कि ना भी देखता हो उससे अच्छा लगे और वो देखे इस चीज़ को आके कि ये कैसे आप इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं या कैसे आप इस चीज़ को एजुकेट कर रहे हैं, आगे लोगों तक फैला रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रट्टा मार वाली साइड पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा टीचिंग में लेके आना चाहें जो कि बाकियों से बहुत मुख्तलिफ हो, बाकियों से बहुत डिफरेंट हो, तो आप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज का आइडिया नंबर फाइव ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपने अपनी लाइफ में आज तक एक्सपीरियंस किया है, वो आप शेयर करें बाकियों से। मतलब यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के वो आइडिया या वो एक्सपीरियंस जैसा भी हो, चाहे कारपेंटिंग का हो या फिर कार रिपेयरिंग का हो या फिर टीचिंग का हो या फिर वीडियोस बनाने का हो या फिर वीडियोग्राफी का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, चाहे जैसा भी आइडिया या जैसे भी एक्सपीरियंस गेन की है, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो जो पांचवा आइडिया आपको मैंने दिया, ये हर एक निच पे काम कर सकते हैं, चाहे क्रिएटेड निचेस हैं ये यूट्यूब पे या फिर आप अपनी न्यू क्रिएट करके यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने इस पे काम ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एकदम से आपकी वीडियोज़ ग्रो नहीं करता। आपको SEO करनी पड़ती है, टैग्स पे काम करना पड़ता है, उसके अलावा आपको ये देखना पड़ता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, उसके बाद रैंक्ड कीवर्ड क्या होते हैं, आपको वो कैसे यूज़ करने, कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ पर यूज़ करने हैं, तो कैसे यूज़ करने हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कि यूट्यूब कैसे ये चीज़ें लेके चलती है। तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप ये जो नीचे मैंने बताई हैं आप इन पर बहुत ईजीली काम करके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया बोलें, शायद बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इन नीचे पर काम करें। तो आज ही अपना चैनल क्रिएट करें तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट पर्सन होंगे जो इन नीचेस पे काम करेगा। ऑलरेडी कर रहे होंगे लेकिन इस लेवल का नहीं करें, इस ग्रो का नहीं करें जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या बहुत सारे व्यूज़ का हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मेक श्योर कि आपने अपना चैनल क्रिएट कर लिया होगा, आइडिया अपना क्लियर कर लिया होगा कि आपको किस निच पे काम करना है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।